किशन ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम अब तक कहाँ थे? तुम हमारे खान साहब जो हैं, मैं वहाँ गया था उनसे मिलने के लिए। आज शुक्रवार है और जुम्मे के दिन खान साहब के ऑफिस बंद रहते हैं। घर गया था मैं उनके घर में उनके साथ बैठा था। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो किशन मुझसे छुपाना चाहता है और क्यों? रवि भी हमेशा किशन पर निंदा होने का शक करता आ रहा है। और किशन साहब, बार बार ऐसा ही इत्तेफाक क्यों होता है कि मुन्ना की हर हरकत का शक आप पर चला जाता है? मुन्ना की माँ को भी मुन्ना किशन बनकर छुड़ा ले गया, जबकि रवि के प्लान की खबर सिर्फ किशन को थी। मुन्ना आपसे पकड़ा नहीं गया और अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर उतार रहे हैं आप। ये आपके अंदर जो शक का कीड़ा है ना, ये पता नहीं और क्या क्या करवाएगा। ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे मुन्ना और किशन दोनों होकर एक ही है? काका, किशन है घर पे? जी हाँ है। बुरे किशन। अरे राधा, तुम और इस तरह क्यों घूम रही हो मुझे? किशन, जो तुम हो उसके अलावा जो भी हो, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ये कैसे बेतु का सवाल है राधा? किशन, आज तक रवि को शक था कि शायद तुम ही मुन्ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी ये शक होने लगा है कि किशन और मुन्ना दो नहीं एक ही है। ये क्या कह रही हो तुम राधा? तुम मैं जानती हूँ किशन कि ये शक बेबुनियाद है, कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन राधा ये क्या बात है राधा? तुम ऐसे वक्त पर आके ऐसी किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम ये समझती हो कि मुन्ना किशन सागर का दूसरा रूप? किशन, रवि ने तुम्हें मुन्ना साबित करने के लिए बहुत सबूत ढूंढे, बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन किशन, मेरे अंदर जो सवाल उठा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। किशन, मेरे सर पर हाथ रख कर कहो कि तुम राधा, ये क्या बचपना है? तुम इसे बचपना समझो या कुछ और, मेरे खातिर आज राधा, दिस इज नॉट फेयर। ये ठीक नहीं है राधा, ये फिर तुमने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल। ये मेरा आखिरी हथियार है, प्लीज किशन, मेरे खातिर आज जवाब दे दो। प्लीज, ऐसी ज्यादती मत करो राधा। तुम सच में आज तक दुनिया से छुपाता आया हूं मैं तुम्हारे सामने, मैं मुन्ना नहीं हूं। ऐसा नहीं किशन, चाहूंगी ना दादा, मिल गया ना दादा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब हो गई तसल्ली? हाँ राधा, मैं ही किशन हूं और मैं ही मुन्ना हूं। इतना बड़ा झूठ तुम मुझसे बोलते हो, धोखा देते रहे मुझे। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, दिलो जान से चाहने लगी थी तुम्हें, और तुम एक कातिल हो, एक मुजरिम, समाज और कानून के दुश्मन। सच्चाई ही क्यों छुपाया किशन, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं राजा, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा, और तुम भी उससे प्यार करो।
मुझे डर था कि ये सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो ये सच्चाई जानने के बाद मैं सोचा कि तुमसे प्यार करती रहूं। नहीं दुष्यंत, तुम प्यार नहीं नफरत के काबिल हो, सजा के हकदार हो तुम। सजा दूंगा, कानून के हवाले मैं करूंगी तुम्हें। तुम्हारी कोई भी बदली ऐसी नहीं होगी। भागना है तो भाग सकते हो। हेलो, पुलिस स्टेशन। राधा, रवि, तुम्हें ये शक था ना कि किशन ही मुन्ना है? आज तुम्हारा ये शक यकीन के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। यही है मुन्ना। आज तक किशन की आड़ में कानून को भी धोखा देता रहा और मुझे भी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात साबित करने का मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन यही मुन्ना है, इसका यकीन इसने खुद मुझे दिलाया है। कानूनन आप ये कैसे साबित करेंगे ये आप जाने, लेकिन ये एक फरार मुजरिम है, एक खूनी है। ये जानने के बाद इसे कानून के हवाले करना मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज निभाया। इसे गिरफ्तार करने की फिराक में तो मुद्दत से हूं मैं, लेकिन हमेशा मुझे धोखा देने में कामयाब होता रहा। बड़ी सफाई और चालाकी के साथ भागता रहा है। मेरी कोशिशें तो नाकाम रही राधा, लेकिन मैं तुम्हारी कोशिश नाकाम नहीं होने दूंगा। इसे गिरफ्तार करके इससे यह कबूल करवाना कि यही मुन्ना है मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दिस मैन। सॉरी रवि, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी। तुम्हारा प्यार ठुकरा कर मैंने इस जैसे आदमी का साथ दिया। अगर आज तुमने मेरा साथ दिया है, कानून का साथ दिया है, इसने कानून को नहीं मुझे भी धोखा दिया है। मेरे प्यार को छीना है, मेरी बहन के जज्बात के साथ खेला है, मेरे अरमानों का गला घोटा है इसने। इसकी ऐसी कत बनाऊंगा कि दिल मिलाएगा, मौत से बदतर जिंदगी कर दूंगा मैं इसकी। ये बस बहुत हो गया डायलॉग बाजी। कब से सुन रहा हूं मैं तेरा ये भाषण। औरत की आड़ लेके मेरे को हिरासत में लेने को आया, औरत का सहारा लेता और मर्द बोलता अपने आप को। मैं खुद अपना मर्जी से पुलिस का नीचे आता हूं, पुलिस के औकात नहीं मेरे को हाथ लगाने की। दुनिया में पैदा नहीं हुआ कोई गुंडा को हाथ लगाने वाला। मैं पुलिस के नीचे आता हूं, पुलिस का एहसान करता हूं, मैं किसी का एहसान नहीं लेता हूं। तू औरत का एहसान लिया, बंद कर अपनी तंती सुबह हमें। आज जो हुआ वो तो एक गलत है। एक मुजरिम कानून के साथ कब तक खिलवाड़ कर सकता है? हाँ, खिलवाड़ करता हूं, खिलवाड़ करता हूं मैं, लोने की तरह खेलता हूं कानून के साथ। वो औरत का एहसान लिया, एहसान मत मान, खुद अपने आप हाथ डाल के देख मेरे पे। कभी
मुन्ना तेरा हाथ में कॉपी। मुन्ना मुन्ना रुक। क्या बात है राधा बेटी, इस तरह क्यों बैठी है और इतनी हैरान परेशान क्यों है? मां पता नहीं क्यों ऐसा शक होने लगा है मुझे कि किशन और मुन्ना एक ही हैं। पगली कहीं की, किशन पे शक कर रही है? देख राधा बेटी, रवि का किशन पे शक करना कि वो मुन्ना है ठीक है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसका तो ये पेशा है, उसने तो दावा भी किया है, मगर जब किशन मुन्ना है ही नहीं तो फिर कोई कैसे साबित कर सकता है? मगर अचानक तेरे मन में ये शक क्यों हुआ और कैसे हुआ? तू तो उसे बचपन से जानती है, उसे इतना प्यार करती है, तो फिर तेरे मन में ये ख्याल कैसे उठा? पता नहीं क्यों पर ऐसे लगा मुझे माँ जैसे किशन मुझसे कुछ छुपाना चाहता है, झूठ बोल रहा है मुझसे। और माँ मुन्ना से मिल चुकी हूँ, वो मुझे इतना खतरनाक नहीं लगा जितना उसके बारे में सुना था मैंने। और किशन पगली कहीं, जिसे जानती नहीं पहचानती नहीं उसे गलत नहीं समझ रही है, और जिसे बचपन से प्यार करती है उस पे शक कर रही है। किशन एक अच्छा और नेक इंसान है, अगर वो मुन्ना की तरह होता ना तो तुझ पे हम सब पे इतना मेहरबान नहीं होता। विश्वास ही प्यार होता है। हाँ माँ, शायद तुम ठीक कह रही है, किशन मुन्ना हो ही नहीं सकता। ये आपने ठीक नहीं किया किशन जी, ये आपने ठीक नहीं किया, आपने सिर्फ मुझे नहीं भैया को भी धोखा दिया। आपको पता है आपके इस फरेब से मेरे दिल में क्या बीत रही है? मत रो मेरी बहन, कब तक अपने दिल को दुख देती रहेगी? इन हरामजादों का कोई धर्म ईमान नहीं होता, अब कोसने से क्या फायदा? भूल जा सब कुछ, भूल जा। भैया मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ पर इस फरेब को मैं नहीं भूल सकती। मैं जानता हूं रूपाली, मैं जानता हूं तेरे दिल पर क्या गुजर रही है, क्योंकि मेरे दिल पर भी वही गुजर रही है। मैं भी उस फरेब का शिकार हुआ, उसने मुझसे तो सिर्फ राधा को छीना है, लेकिन तुझसे तेरी नींद, तेरा चैन, तेरा आराम, सब कुछ उस कमीने ने तेरा दिल दुखाया है, तेरे अरमानों को रौंदा है। फिर भी रूपाली तू भूल जा, कोई फायदा नहीं है रोने का। देख किसी शायर की एक बात याद आ रही है, अगर सर ही फोड़ना था तो पत्थरों की क्या कमी थी, इन कमजरफों को क्या हमारी ही चौखट मिली? किशन को तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगा, अब तक तो उस पर इसलिए रहम खाता रहा क्योंकि तू उससे प्यार करती थी, वो राधा का दोस्त था, और मैं भी उसे अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझता था। लेकिन अब किशन को उसके किए की सजा देकर रहूंगा।
ऐसी सजा दूंगा उसे कि ना तो वो चैन से जी सकेगा और ना ही चैन से मर सकेगा। ये क्या कह रहे हो तुम रवि? तुम पहले भी किशन को मुन्ना साबित करने की कोशिश कर चुके हो और हर बार नाकाम रहे। फिर भी मेरा शक दूर नहीं हुआ है और ना ही मेरा शक यकीन में बदला है। मैं एक आखिरी कोशिश और करना चाहता हूं। वो कोशिश, वो ज्यादती जो मैंने आज तक किशन के साथ नहीं की, एक बार और कोशिश करना चाहता हूं सर। क्या करना चाहते हो तुम? सर मैं किशन को हिरासत में लेना चाहता हूं। किस बिना पर? शक की बिना पर। पुलिस वालों को शक की बिना पर हिरासत में लेने का हक तो है ना। क्या मैं अपने इस हक का इस्तेमाल कर सकता हूं? कर सकते हो, मगर इस बार भी नाकाम रहे तो, किशन को मुन्ना साबित नहीं कर पाए तो, उसने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो, इसका असर तुम्हारे करियर पर भी हो सकता है। आई नो इट सर, आई नो इट। इस बार की नाकामी मेरे दामन पर एक दाग बन जाएगी। नो प्रॉब्लम, मैं फिर भी दांव खेलने के लिए तैयार हूं सर। बिना रिस्क उठाए कोई नतीजा हाथ नहीं लगेगा। और कुछ अगर हासिल करना है तो कुछ ना कुछ तो दांव पर लगाना ही पड़ेगा सर। सर अगर आगाज से पहले ही अंजाम से डर जाएंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। सर मैं अपनी इस कोशिश का, चाहे जो भी अंजाम हो, फिर भी अपनी कोशिश को अंजाम देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ओके, गो अहेड। अगर तुम्हारी कोशिश कामयाब होती है और एक खतरनाक मुजरिम पकड़ा जाता है तो इस तरह कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।